सलाम मेरी जान, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में तुम्हारे साथ मैं एक ऐसा कोड शेयर करने वाला हूँ, एक ऐसा मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिसको यूज करके तुम विदाउट कुछ किए, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट वर्किंग, तुम इतनी अर्निंग कर सकते हो जितनी तुम्हें मेरी स्क्रीन पर नजर आ रही है। अब ये कैसे करना है और कैसे होगा, ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं तुम्हें बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसलिए तुमने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर अभी तक तुमने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कोड के बारे में। वो कोड का जो लिंक है तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। जब उस लिंक पर तुम क्लिक करोगे तो तुम इस टैब पर आ जाओगे, इस लिंक पर आ जाओगे, ठीक है। अब ये तुम्हें कोड मैंने पोस्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब ये तुमने कोड किस तरह यूज करना है और कैसे तुम्हें अर्निंग होगी विदाउट कुछ किए, अब मैं वो बताता हूँ। उसके लिए तुम्हें चाहिए होगा एक ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग बनाना बहुत इजी है। अब ब्लॉग बनाने के बाद तुमने आ जाना है न्यू पोस्ट पर। अगर नहीं तुम्हें आता ब्लॉग बनाना तो उसका मैं लिंक तुम्हें वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में भी दे दूंगा, तुम्हें वहां से वो वीडियो देख के आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉग किस तरह बनाया जाता है। यहां पर मैं आ गया न्यू पोस्ट में। अब न्यू पोस्ट में आने के बाद यहां पर मैंने एक न्यू पोस्ट लिखनी है जिसमें जो कि 100% यूनिक होनी चाहिए और 0% उसमें प्लेजरिज्म होना चाहिए, और AI नहीं होनी चाहिए, ह्यूमन रिटर्न होनी चाहिए। अब उसके लिए तुम दो टूल यूज होंगे। दो टूल कौन कौन से यूज होंगे? एक तो सबसे पहले यूज होगा जी हमारा गूगल ट्रेंड, जहां से हम एक आइडिया लेंगे पोस्ट का। मैं यहां पर गूगल ट्रेंड ओपन करता हूं, ठीक है। और सेकंड हमने चैट जीपीटी ओपन करना है। अब चैट जीपीटी का एक ऐसा एडवांस फीचर है जिसको यूज करके तुम विद इन फ्यू सेकंड 100% यूनिक ह्यूमन रिटन आर्टिकल लिखवा सकते हो। अब यहां पर सबसे पहले तो मैं गूगल ट्रेंड्स में आता हूं, और यहां पर मैं आता हूं ट्रेंडिंग नाउ में, और इधर से मैं रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स पर क्लिक करता हूं। उससे पहले मैं यहां पर जो लोकेशन है वो चेंज कर लेता हूं, और यहां से मैं कर देता हूं यूके, ठीक है। अब यहां पर यूके में जो रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स होंगे वो मुझे दिखा रहा है। अब यहां से मैं आ जाता हूं जी ये सेकंड लिंक पर। सेकंड लिंक पे आने के बाद इधर से मैं थोड़ा स्क्रॉल करूंगा, मुझे इससे रिलेटेड जो है वो न्यूज़ देखने को मिल रही है, ठीक है। अब ये देख रहे हो तुम ट्रेंड कितना हाई ट्रेंड जा रहा है ये। मैं यहाँ पर अब रिलेटेड न्यूज़ में से कोई एक न्यूज़ ओपन कर लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली मैं न्यूज़ ओपन करता हूँ जो कि एक दिन पहले पोस्ट हुई है। इस पोस्ट को, इस न्यूज़ को मैं अब रीरेड करवाऊंगा चैट जीपीटी के एडवांस फीचर से, जिससे वो मुझे 100% यूनिक और 0% प्लेजरिज्म वाली पोस्ट बना के दे देगा। अब उसके लिए ये देखो, जैसे ये अब आर्टिकल है पूरा, अब इसको मैंने चैट जीपीटी में आना है, और चैट जीपीटी में आने के बाद यहां पर मैंने सर्च बार में रीराइट टाइप करना है। अगर तुम्हारे पास ये इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा चैट जीपीटी का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वो भी वीडियो देख के तुम अपना ये जो चैट जीपीटी का ये एडवांस फीचर है उसको यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा रीराइट। अब मुझे प्री बिल्ड प्रॉम्प्ट देखने को मिल रहे हैं चैट जीपीटी की तरफ से। यहाँ पर मैं जो फर्स्ट प्रॉम्प्ट है उस पर मैं क्लिक करूंगा जो कि है ह्यूमन लाइक रीराइटर, ठीक है। अब इस पर मैंने क्लिक किया, मुझे वो ये कह रहा है कि भी आप अपने जो ब्लॉग की पोस्ट है वो यहाँ पर पेस्ट करें। अब इसके लिए मैं आ जाता हूँ वापस, यहाँ से सबसे पहले मैं टाइटल को कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आता हूँ वापस न्यूज़ में, और जो बाकी मेरे जो यहाँ पर पोस्ट है उस सभी को, सारी पोस्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। जितनी आपकी अच्छी और बड़ी पोस्ट होगी उतने ही ज़्यादा आप लिंक यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए कोशिश करनी है कि बड़ी पोस्ट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ से अब इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। अब मैं एक आपको चीज भी दिखाता हूं कि ये जो अब मैं इसे रीराइट करवा रहा हूं, ये मुझे जब रीराइट करके देगा तो वो 100% यूनिक होगा, कोई प्लेजरिज्म नहीं होगा। इसके लिए प्लेजरिज्म और AI डिटेक्टर चेक करने के लिए मैं आता हूं गूगल में, और यहां पर मैं लिखता हूं डुबली चेकर, ठीक है। डुबली चेकर जब आप लिखोगे तो भाई यहां पर उनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, और यहां पर इनका एक टूल है प्लेजरिज्म चेकर के नाम से, जो कि तुम्हें बताता है कि भाई जो तुम्हारी पोस्ट है, जो तुम्हारा कंटेंट है, वो कितने परसेंट प्लेजराइज है। तो ये चैट जीपीटी ने मुझे जो लिख के दिया है इसको मैं करता हूँ पूरे को कॉपी, और मैं देख लेता हूँ कि मेरा जो कंटेंट है वो कितने परसेंट यूनिक है, ठीक है। अब यहां पर ये भी मुझे लिख के दे रहा है, तो मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मुझे इसने लिख के दे दिया है, इसको मैं करता हूँ कॉपी। मैंने यहाँ पर अपना जो कंटेंट है जो चैट जीपीटी ने मुझे लिख के दिया है, रीडर करके दिया है पोस्ट, उसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर मुझे आ रहा है चैट, इसको मैं कर देता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट, ठीक है। इधर से ये करने के बाद
मैं चेक प्लेजरिज्म पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जब इस पर मैंने क्लिक किया तो मुझे ये स्कैनिंग हो रही है, इसमें मुझे बताएगा कि भाई मेरी जो पोस्ट है वो कितने परसेंट यूनिक है और कितने परसेंट प्लेजरिज्म है। ठीक है, इतनी देर में मैं जो वो मैंने पोस्ट कॉपी की है उसी को मैं यहाँ पर गूगल में पोस्ट जो अपने ब्लॉग है ब्लॉग में पोस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी तो किया हुआ है, यहाँ पर सिंपली मैं आके पेस्ट करूंगा और मेरी जो पोस्ट है वो सारी यहाँ पर पेस्ट हो गई है। और इधर से मैं अपना एक जो टाइटल उसने चैट जीपीटी ने हमें बना के दिया वो भी मैं ले लेता हूँ यहाँ से। ठीक है जी, यहाँ पर अपनी पोस्ट में ये टाइटल ले देता हूँ। ठीक है, टाइटल आ गया हमारा और ये हमारी जो पोस्ट है जो चैट जीपीटी ने हमें रीराइट करके दी थी वो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। अब मैं प्लेजरिज्म भी चेक कर लेता हूँ कि कितने परसेंट उसने देखा है। ठीक है जी, यहाँ पर हमारी अभी स्कैनिंग हो रही है, 49% हुई। ये हमारी स्कैनिंग अभी हो रही है, 86% हो गया, जिसमें हम जरा इसको कंप्लीट होने के बाद हम देख लेंगे कि जो हमारी पोस्ट है वो कितने परसेंट यूनिक है। ठीक है, 10% तक अलाउड होता है गूगल की तरफ से कि आप 10% तक थोड़ी सी अब जो है वो यूज कर सकते हैं, लेकिन ये देखें हमारी जो पोस्ट है वो 97% यूनिक है और 3% इसमें प्लेजरिज्म है। अब वो किस रीजन से आ रहा है ये भी हमें सारा बता रहा है कि जो ये हमारा सेंटेंस है ये कहीं से कॉपी हो रहा है। अगर हम इसको अपनी पोस्ट में से रिमूव कर दें तो हमारी जो पोस्ट है वो 100% यूनिक हो जाएगी। तो इस तरह भाई तुमने चैट जीपीटी से पोस्ट को रीराइट करवाना है और इसको चेक कर लेना यहाँ पर प्लेजरिज्म के भाई डुप्ली चेकर से आकर कि भाई हमारी पोस्ट कितने परसेंट यूनिक है, 95% से ऊपर ऊपर होनी चाहिए। अब इसमें हमने लगाने हैं अपने डायरेक्ट लिंक, मोनीटैग के डायरेक्ट लिंक। मोनीटैग का तुम्हारे पास अगर अकाउंट है तो वेल एंड गुड, नहीं है तुम्हारे पास अगर अकाउंट तो वीडियो के लास्ट में तुम्हें बता दूंगा कि भी तुमने मोनीटैग का अकाउंट किस तरह बनाना है। मोनीटैग का अकाउंट बनाने के बाद जब फर्स्ट टाइम तुम यहां पर आओगे, यहां पर डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो तुम्हें यहां पर ऐसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, यहां पर तुमने ऐड डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करना है और यहां पर तुमने अपना एक न्यू लिंक बना लेना है। अब जैसे कि मैंने यहां पर एक न्यू लिंक बनाया, इस लिंक को मैं कॉपी करूंगा, यहां से इसको कॉपी करता हूं। कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने ब्लॉगर में और यहां पर मैंने 4 से 5 जो है वो लिंक लगा लेने अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना हाइपर लिंक लगाना है। ठीक है, हाइपर लिंक लगाने के लिए मैं यहां पर इसको ए जनरेटेड को क्लिक करता हूं और इसको मैं यहां पर इंसर्ट लिंक में आके लिंक को पेस्ट करता हूं और ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो इस पर क्लिक करके मैं अप्लाई कर देता हूँ। मेरा ये एक जो है वो मोनीटैग का लिंक डायरेक्ट लिंक लग चुका है। अब दोबारा मैं वापस आता हूँ अपने मोनीटैग में और यहाँ से मैं अपने बाकी लिंक पे लगा लेता हूँ। मतलब तुमने कोशिश करनी है कि भाई तुम एक पोस्ट में 4 से 5 लिंक लगाओ अगर तुम्हारी पोस्ट 1000 वर्ड से ज़्यादा की है, और तुमने एक लिंक को बार बार नहीं यूज़ करना, तुमने डिफरेंट डिफरेंट लिंक यूज़ करने। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले वो यूज़ किया था, अब मैं ये सेकेंड लिंक अपना यूज़ करूँगा यहाँ पर शार्प्स में। ठीक है, इधर मैं ये लिंक अपना यूज करता हूँ, इधर मैं आकर अपना जो सेकंड लिंक है वो पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी, यहाँ पर मेरा सेकंड लिंक भी लग गया। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद मैं यहाँ से अपना थर्ड लिंक निकाल के वो भी पेस्ट कर देता हूँ। मतलब 2 से 3 लिंक डायरेक्ट तुम लगा सकते हो, लेकिन तुमने कोशिश करनी है कि यूनिक लिंक तुम्हारा होना चाहिए, एक लिंक को तुमने 3 जगह पर नहीं लगाना। ठीक है, यहाँ से ये कॉपी हो गया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर मैं जी यहाँ पर लगा देता हूँ, इस पर क्लिक किया, इंसर्ट एडिट लिंक, यहाँ पर मैंने अपना लिंक पेस्ट किया, कंट्रोल वी से ओपन दिस लिंक इन अ न्यू विंडो और यहाँ से अप्लाई कर दिया। अब जो ये हमारी पोस्ट है ये होगी है रेडी। ठीक है, अब ये वर्क किस तरह करेगा, अब ये जो हमने लिंक तो लगा दी अपने, लेकिन ये वर्क किस तरह करेगा इसके लिए हमें चाहिए होगा अपना कोड, जिसका लिंक तुम्हें मैं अपने पिन कमेंट में दे दूंगा। सॉरी, इसका लिंक मैं तुम्हें अपने पिन कमेंट में दे दूंगा, तुमने उस लिंक पर क्लिक करके ठीक है इस पोस्ट पर आ जाना और यहां से तुम्हें ये यहां से ये HTML से तुमने कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है बिल्कुल लास्ट बॉटम तक यहां पर HTML तक, इसको तुमने कॉपी करके वापस अपने ब्लॉग में आना है। ब्लॉग में आने के बाद तुमने यहां पर ये पेंसिल आइकन जो नजर आ रहा है छोटा सा, इस पर क्लिक करके HTML व्यू में आना है। ठीक है, HTML में व्यू में आ जाता हूं। ये पोस्ट पूरी टाइप करने के बाद, टाइटल डिस्क्रिप्शन सारा कुछ सेट करने के बाद तुमने ये काम करना है। यहां पर आने के बाद तुमने बिल्कुल बॉटम में जाना है और यहां पर जहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है वहां पर तुमने 2-3 दफा एंटर बटन दबाकर स्पेस देनी है और यहां पर अपना वो जो कोड है वो पेस्ट कर देना है। अब ये जो कोड है ये पेस्ट हमारा हो चुका है। अब इसका तुम्हें मैजिक दिखाता हूँ कि ये कोड किस तरह वर्क करेगा। ये कोड कभी भी तुमने अपने सिस्टम पर ऑन नहीं करना, क्योंकि ये जब कोड ओपन होता है तो भाई तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाएगा।
इतना मैजिकल कोड है ये कि अगर तुम अपने सिस्टम पर उसको ऑन करते हो तुम्हारा सिस्टम भी हैंग हो सकता है। और दूसरा रिस्क ये है कि भी तुम्हारा अकाउंट मोनीटाइकर्स में लगा होगा तो वो आईपी की वजह से तुम्हारा अकाउंट भी सस्पेंड हो सकता है। इसलिए तुमने ये कोड को या तो तुम अपने आरटीपी में यूज करो या फिर अपने किसी कजिन के अपने भाई के मोबाइल में यूज करना, ठीक है। इसने जो ये पोस्ट है जो तुमने लिखी है उसको तुम ओपन करना। अब ये सारा हमारा काम हो गया, हमारा कोड भी लग गया। अब कोड लगने के बाद इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से पब्लिश। पब्लिश करने के बाद यहाँ से मैं कंफर्म करता हूँ, अब ये हमारा काम हो गया, ठीक है। ठीक है, एक तो ये है कि भाई जो तुम अपने किसी फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो ये पोस्ट, ठीक है, या तुम अपने फ्रेंड के मोबाइल से इस पोस्ट को ओपन कर सकते हो। अब तुमने ओपन भी डायरेक्ट नहीं करनी, तुमने यहाँ पर शेयर बटन पर क्लिक करना है। शेयर बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर तुम्हें कॉपी लिंक का ऑप्शन मिलेगा, ये कॉपी लिंक। अब ये जो कॉपी लिंक मैंने क्लिक कर दिया, ये कॉपी हो गया लिंक। अब इस लिंक को तुमने कॉपी करना है, ओपन करना है, ठीक है। डायरेक्ट तुमने वैसे वेबसाइट को भी तुम कर सकते हो, लेकिन तुमने ऐसे कॉपी करने के बाद अपना जो लाइव लिंक है उसको कॉपी करने के बाद तुमने ओपन करना है।